होपफुली हमारा जो है ना आज डेमो सेशन है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर जमीर हुसैन गायम हूँ, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट थरपारकर। मेरी अलोकेशन हुई है सीसी 2020 में एज ए मुख्तियार खान, एंड आई एम बेसिकली एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। और रही बात की जो बात है वन पेपर एग्जाम की, तो ये तो समझोगे स्टोरी है जो हर एस्पायरेंट की होती है, एंड ऑलमोस्ट जो एस्पायर वो कर रहे हैं जॉब के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। आज हमारा जो मोस्टली लेक्चर है डेमो सेशन, वो ये है कि हमने ना एक रोड मैप बनाया हुआ है कि किस तरह से हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं लेनी चाहिए जिसमें हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ आप लोगों को कि जो बात आपकी है कि वन पेपर की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ठीक है ना, कौन से एरियाज हैं जो फोकस किए जाए ज्यादातर, एंड स्पेशली जो अभी एग्जाम हमारा होने वाला है असिस्टेंट का, एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एंड कॉम्पिटिशन जो है वन पेपर में एज कम्पेयर टू हम रिटन एग्जाम की बात करें तो टफ है। वो इसलिए है कि यहाँ पर आपका मार्जिन जो है ना 1 to 2 मार्क्स का भी बड़ा अफेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। एंड इसीलिए इसको कहते हैं कि आपकी अगर स्ट्रेटजिकल तैयारी होगी, एक आप प्लान के तहत एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी यकीनन कामयाबी होगी। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी सीसी 2020 की स्क्रीनिंग दी थी जिसमें मेरी अभी एलोकेशन हुई है। तो एसपीएससी वालों के कुछ ट्रेंड्स हैं जो वो अपनी तरफ से सेट करते रहते हैं, जिनको भी आप लोगों को ना समझने के लिए एक अपना माइंड भी यूज करना पड़ेगा। तो ये कभी कभी ना हमारे माइंड के साथ गेम खेल देते हैं कि हम ना किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सी जो है ना क्या कहते हैं वेबसाइट्स हैं जिन पे ज्यादा हम लगे हुए हैं, ये राउंड अबाउट चले जाते हैं 180 डिग्री पे, फिर हमें कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं। वैसे धोखा वो खाते हैं जो ना एक स्ट्रेटजी नहीं लेते हैं, जो समहाउ खुद को ये समझेंगे बाउंड करके रखते हैं कि हम ये कर लेंगे इस तरह से तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बट जो स्ट्रेटजी के साथ अपना काम लेते हैं, एक प्लान चार्ट आउट करते हैं कि हमने इस तरह से तैयारी अपनी करनी है, फिर एसपीएससी हो या एफपीएससी हो या कोई भी टेस्टिंग सर्विसेज हो, वो आपके साथ कोई भी एग्जाम आपके पास आपका ले रही है, तो आप वहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए मस्त होती है आपकी स्ट्रेटजी। मैंने 2020 की जो स्क्रीनिंग क्वालिफाई की थी वो मेरा वन पेपर का इवन फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी यही डराया हुआ था कि जो स्क्रीनिंग होती है वो बड़ी ही टफ होती है, ठीक है ना, तो आपको वो आप ऐसे आसानी से नहीं कर सकते क्वालिफाई, एंड यही होता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड 27,000 में से कोई पास होते हैं वो भी 50% पे, पास आपके होते हैं कोई 2,000 मुश्किल से, वो भी ये 5-6 जब आपकी एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं तो। एंड वहां पर भी यही हुआ हमारे टाइम पे भी, तो मैंने अपनी तरफ से सबकी बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने अपने तरफ से एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाई मैंने किस तरह से इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि सब कह रहे हैं ये इतना एक बड़ा टफ एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है स्पेशली, क्योंकि फेडरल में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपने मद्देनजर रखनी है, अपनी तैयारी के हवाले से आपने जो पोर्शन है वो भी ऐसे कवर करनी है ताकि कोई भी सच कोई भी आपका पोर्शन वीक ना रहे जहां आप मार खा रहे। आपने बेसिक एडवांस एंड उससे भी एडवांस लेवल पे भी जाके अपनी तैयारी को करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मस्ट है कि आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीसी 2020 को भी क्वालिफाई कर लिया था, एंड मेरा स्कोर जो वो 70s में था, जबकि आपकी स्क्रीनिंग में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 50, जस्ट टू पास दैट लाइन, ठीक है ना। तो आप तो और उसके बाद मेरी हुई थी 2021 की, एंड 2021 का 2020 का एक्सपीरियंस दोनों ही टोटल ही डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो अपनी तरफ से बनाई हुई थी कि मैंने कहा वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे कुछ भी, लेकिन मैंने जो है ना अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि होलिस्टिकली मैं इनको कोप कर सकूं। एंड सेकंड टाइम भी मैंने कंसिक्यूटिवली इनकी स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर ली थी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि दूसरे वन पेपर के जिस तरह से एग्जाम्स हैं, सक्कर आई के लेती है या आपकी जो है एसपीएससी में होते हैं या फेडरल में होते हैं, इनमें आपने ना अपनी तरफ से इसी तरह से स्ट्रेटजी के साथ जाना है ताकि आप स्कोर अच्छा कर सकें। बाकी के जो एग्जाम्स हैं जिस तरह आप अभी कर रहे हैं जो वन पेपर के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, वो आपकी स्क्रीनिंग अलग से है, वहां पर आपको जरूरी होता है कि आपने कॉम्पीट करना होता है पर सीट। वैसे एफपीएससी में ये होता है कि आपके ना स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर 2 सीट्स हैं तो आपके जो है ना 20 जो टॉप स्कोरर होंगे वो आएंगे, अगर वो 20 स्कोरर आपके 80+ हैं तो वो 80 वाले ही आएंगे, अगर वो टेस्ट हाफ टफ है 70+ आ रहे हैं तो 70+ वाले आएंगे।
ठीक है ना। एंड एक हुई थी असिस्टेंट एंटी करप्शन भी टेस्ट हुई थी, आप लोग अभी अभी भी देख सकते हैं, कोई 2 3 3 4 मंथ हुए हैं उसकी रिजल्ट आई हुई। उसमें जो है ना कट ऑफ जो था वो था 85 फॉर रूरल, एंड मैंने उसमें भी क्वालिफाई कर लिया था। एंड वैसे मैंने उसका इंटरव्यू नहीं किया था क्योंकि मेरी यहाँ पर अलोकेशन हो गई थी इसलिए। तो ये है कि आपकी ना, हम इसके समझेंगे कॉम्पिटिशन आपकी अपने साथ भी है और दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ भी है। तो मीन्स आपने अपना स्कोर पे ज्यादातर फोकस करना होगा कि मैं अच्छा स्कोर किस तरह कर सकता हूँ। आपने टारगेट करना होगा 80 to 90 एंड मोर अबोव 90, ताकि आप खुद को सेट हो समझे, ठीक है। अच्छा इसके लिए होपफुली हमारे यहाँ जो सेशन 11th पेपर एग्जाम का, यहाँ पर ये यह हम कोशिश करेंगे कि आपको ना सारे जो अच्छा जो पोर्शंस है वो कवर करवाएं होलिस्टिकली। आप लोगों को स्ट्रेटजी एक अच्छी थी, आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन भी नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप लोगों की क्लास एक्टिविटीज भी होंगी जिनमें आप लोगों को काम दिया जाएगा, वो आप लोगों को कवर करना होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना मॉक टेस्ट जो है वो भी ली जाएंगी, वो डिफरेंट टीचर्स। अब यहाँ पर हमारे यहाँ के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप लोगों को गाइड करेंगे वहाँ पर, जो आपकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये जो है ना सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए आप लोगों के लिए जो है ना पोर्शन सारे डिवाइड किए हुए हैं। काइंडली आप लोग वीडियोज ऑफ कर लें अपनी, कृपाल दास एंड सज्जाद अजीम, तो आप लोग ये देख सकते हैं ना असिस्टेंट का जो आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ था वहां पर, आपको जो है असिस्टेंट के लिए उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज का है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड इस्लामियात। इस बार इन्होंने इस्लामियात को एसपीएससी वालों ने अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है। वैसे एसपीएससी के अंदर जो है ना मोस्टली टेस्ट होती है उनके अंदर ना आपका ये नहीं होता, इस्लामियात का पोर्शन नहीं होता, तो आप लोगों को ये भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, वो भी आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी इस टेस्ट के लिए असिस्टेंट की जो है, ठीक है ना। बाकियों के अंदर भी वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये पोर्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेस्टों के अंदर होते हैं, आप इनको ही आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जो है ना सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले हम ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर लें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि भाई जब आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोगों को ये करना होगा कि आप ये तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट आपके जो भी 1 पेपर के एग्जाम आ रहे हैं उन सबके लिए तैयारी करो, ठीक है ना। ये नहीं कि आप लोग ना कोई एक टेस्ट आ रही है फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट की, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। अब उसमें आप लोगों को जो पोर्शंस होंगे वो आप लोग अगर होलिस्टिकली सारे कवर कर लेंगे तो इट मीन्स आप बाकी जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए आप रेडी होंगे, ठीक है ना। फिर आपको ये है कि उनका टाइम पीरियड वो है वो डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट की टेस्ट 2 महीने के बाद हो रही है, उसके बाद एक एक 1.5 महीने के बाद कोई और टेस्ट हो रही है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। एज सच ये आप है कि आप लोगों को रिवाइज करना होगा, तो आप लोग रिवाइज करके उसको अच्छे से अपनी मार्क्स ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन में आप लोगों को यह भी होगा कि आप लोगों को पोर्शन वाइज कवर करना होगा, ठीक है। टाइम आप लोगों को डिवाइड करना होगा, जो आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप वीक हैं, जो आपके कवर नहीं किए हुए हैं उन पे आपने ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है ना। आप लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने होंगे उनको प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को रिलाय नहीं करना होगा जो बुक्स आपके पास पड़ी है या जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन चीजों के अंदर, अपना भी अपनी भी जो क्या कहते हैं हम ना इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो मस्ट है। इसके साथ ही आप जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं हर टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं कि अपना यहाँ पर हमारे जो पोर्शन हैं, जिस तरह से हमने बात की कि भाई डिफरेंट पोर्शन है यहाँ पर मस्ट के, जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है वो है आपका इंग्लिश पोर्शन, ठीक है ना। इंग्लिश पोर्शन आपका इसके ये आपका ये समझें कि मस्ट है। आप लोग अगर इस पोर्शन को अवॉइड करेंगे या इग्नोर करेंगे तो आप लोग कहीं से भी अच्छा स्कोर बाकी सब्जेक्ट से ले हैं, लेकिन आप इसको कॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका होता है डिसाइडिंग डिसाइडिंग फैक्टर। आपका यहाँ पर समझेंगे पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है मेजर, ठीक है ना। आप लोगों को इस पे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, बाकियों को भी फोकस करना पड़ेगा लेकिन इस पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंग्लिश जो है वो वीक होती है। तो हम इसको है सच इतना टाइम या इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना हम पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामियात एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं। हम बुक लेते हैं चौधरी अहमद नजीब का या हम दिल याज की कोई बुक ले लेते हैं, उनका पाकिस्तान अफेयर का या इस्लामियात का या जीके का पोर्शन, हम वो रट्टा लगा देते हैं सारे को, लेकिन हम क्या करते हैं इंग्लिश को एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वजह से हम स्कोर नहीं ले पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, यही होता है जो
एस्पायरेंट्स जो है ना कंटिन्यूअसली इस क्या कहते हैं साइकिल में रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम देख लें तो मेन पॉइंट्स आप लोगों को या मेन जो क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर आप लोगों को जो कवर करने होंगे उनमें आपके कॉमन ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके टेंसेज के हवाले से हैं, प्रेपोजिशन हैं, आर्टिकल्स हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हैं। यहाँ पर एग्जाम के अंदर टेस्ट के अंदर जो आपकी होती है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं जो उनमें कुछ आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके आर्टिकल्स की मिस्टेक्स होती है एंड कुछ आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके इनकरेक्ट क्या कहते हैं कि जो एमसीक्यूज मिले होते हैं आपको वहां पर करेक्ट करने होते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को पहले तो इस पे फोकस करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमारी क्लासेस होंगे ऑनलाइन सेशन जो होगा उसमें आप लोगों को इन सारे क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये जो कॉमन ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे, उनके आपको रूल्स की जो है नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सेकंडली उसके साथ आपकी आ जाती है वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। आपके जो है ना सेनोनियम्स एंड एंटोनियम्स जो आपके हैं वो मेन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी 8 to 10 जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सेनोनियम एंड एंटोनियम के आ जाते हैं, तो ये भी एक मेजर पोर्शन है जो आपको कवर करना होता है। अगर 50 मार्क्स का कोई कोई पेपर है तो आपको वहां पर टू दो दो मिला के आपके ना इसके 4 से 5 आपके ना सेनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए मस्त होते हैं जो आपको कवर करने होंगे, वो यहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निक्स जो हमारे इंग्लिश के ट्यूटर हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स किस तरह से ये कवर किए जाएं, आप लोगों को वोकेबलरी जो है वोकेबलरी के लिस्ट लिस्ट दिए जाएंगे आप लोगों को, इस पर आप टेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस कराए जाएंगे, करेक्शन की एक्सरसाइजेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो है, बाकी डिफरेंट जो बुक्स हैं वहां से आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से जो आपको एक्सरसाइजेस जो है वो आपसे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आ जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर, उन पे भी काम करवाया जाएगा, ठीक है जी। एंड पास पेपर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है इनके अंदर जो इंग्लिश पोर्शन के अंदर वो भी आपको यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन के अंदर कवर करवाई जाएंगी। ये हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि टीचर जो है इनके अंदर भी कुछ और अपनी तरफ से ऐड कर सकता है जहां पर उनको नीड होगी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है वो आपका जनरल नॉलेज का है, जिस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ना आपकी जो जीके का पोर्शन है वो हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा लंबा है, तो ओवरऑल हम ऊपर ऊपर से उनको ना कुछ कुछ चीजें जो होती है वो पढ़ लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। या हमें कोई मिल जाती है 10-12 कोई, या 1-4-5 सौ कोई हमें एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि ये हमारा पोर्शन फिर कवर हो जाएगा, लेकिन ये पोर्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके जो है ना पोर्शन डिवाइड किए हुए हैं, जिस तरह से वर्ल्ड जोग्राफी में आपके कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर की जाएगी। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिजर्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सारे कवर किए जाएंगे, ठीक है जी। मेजर गल्फ हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स करेंसीज ये डिफरेंट कंट्रीज की वर्ल्ड की आप लोगों को कवर करवाई जाएंगी। पॉलिटिकली जिस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो है ना वो भी आ जाती है जो पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है जी, वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। की हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो है ना आप लोग जीके का पोर्शन कवर तो कर लेते हैं लेकिन आप जो मेन ट्रीटीज होती हैं वो आपको मोस्टली बुक्स के अंदर ना नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपको जब कॉन्सेप्चुअली वो पोर्शन सारे कवर करवाए जाएंगे तो आप लोगों को इनके साथ जितने भी इवेंट्स उनके रिलेटेड होंगे वो सारे भी कवर करवाए जाएंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड वार्स हुई हैं जो मेजर, उनके साथ फिर उनके बाद जो कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रीटीज हुई है सारी वो आपको बताई जाएंगी, उनके उनसे रिलेटेड जो भी मटीरियल होगा वो शेयर किया जाएगा। रिवोल्यूशन जो वर्ल्ड में हुए हैं जितने भी उन पर काम करवाया जाएगा, ठीक है जी। मेजर ट्रीटीज हैं वो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वैसे मेजर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चन जो है ना इन पे ही आ जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं या मेजर ट्रीटीज जो हुई हैं या वार्स हैं इनसे रिलेटेड आपके मोस्टली जो है ना क्वेश्चन टेस्ट के अंदर मस्ट होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो समझे पक्के पक्के। वैसे नोबेल प्राइज विनर्स आपके उनके अंदर भी जो है ना करंट अफेयर के अंदर भी आ जाते हैं जो ईयरली आपको मिलते हैं, ठीक है ना, नोबेल प्राइज विनर्स मिलते हैं उनको भी यहाँ पर आपके कवर करवाए जाएंगे। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मेजर क्वेश्चन है जहाँ पर आपके एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनके फिर कब बनी, उनके मेंबरशिप, फिर उनके क्या कहते हैं कि रेटिफिकेशन हुई है, या उनके अंदर जो है ना आपके डिफरेंट कौन से जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, मेजर, या आपके वहां पर कौन से रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, ठीक है,
और उनके जो सेक्रेटरीज हैं वो, ये सारे आपके यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। ठीक है जी, ये मोस्टली जो है ना आपकी 10 to 20 आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मेजर, उनका आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको उनके बारे में इंट्रोडक्टरी जो है क्लासेस लिए जाएंगे। मेजर जो ग्लोबल आपके इवेंट्स होते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। वैसे हिस्टोरिकली जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं उन पे ज्यादातर फोकस किया जाएगा। ठीक है जी, एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स का। ठीक है जी, क्योंकि ये मेजर पोर्शंस हैं आपके, इन पे आप लोगों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये आपके कवर हो जाते हैं, मतलब आपने ये है कि जीके का पोर्शन है, इट मीन आपके अगर इसमें 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 आपको ठीक करने पड़ेंगे, तभी आप ना अपने क्या कहते हैं एक अच्छी पोजिशन ना ले सकते हैं। ठीक है जी, जो पाकिस्तान अफेयर्स है या जनरल नॉलेज है, ठीक है, या एवरीडे साइंस की बात हम कर दें, ये वो, या इस्लामियात है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको उसके आउट ऑफ द आउट क्वेश्चन, इसके अगर 20 है तो 20 out of 20 आपको मार्क्स देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्ट इन है चीजें, वो तो चेंज होनी नहीं है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कब हुई है, या वर्ल्ड वॉर 1 कब लगी, ठीक है ना, या हम कहेंगे क्या कहते हैं फ्रांस की इंडिपेंडेंस कब हुई, ठीक है, या US के अंदर सिविल वॉर कब लगी, तो ये ईयर्स या जो आपके इवेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन पे अच्छा काम करके एक बार एक सिस्टमेटिकली आप लोग अगर इनको काम कर लेंगे इनका, तो फिर आप लोगों को परवाह नहीं होगी कि कोई यहाँ पर मेरे 1 2 क्वेश्चन भी मिस होंगे, कोई मिस नहीं होगा यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन। अगर ये आप लोग मिस नहीं करेंगे तो फिर आपकी क्या कहते हैं मार्क्स अच्छी आ सकती है। हाँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिस तरह से, वहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को ना होलिस्टिकली जो एरियाज हैं वो कवर करवा दें। ठीक है ना, फिर आप पे भी है कि आप लोग भी क्या कहते हैं खुद को ना इन इवेंट्स के साथ जो एक्नॉलेज कर रखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीजें हो रही है वर्ल्ड में, कोई हो सकता है यहाँ से मिस हो रही है तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, वहां से आप लोगों को चीज मिल रही है तो आप लोग उसमें भी साथ ऐड करते जाएं, तो वो वहां से आपके 1 2 क्वेश्चन अगर मिस हो रहे हैं तो होने हो सकते भी है। ठीक है ना, या इंग्लिश में जिस तरह से आप लोग वोकैब तो कवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है वोकैबुलरी जहां पर आपकी रह जाती है, आप लोगों को क्या कहते हैं माइंड में स्लिप हो जाती है, तो फिर वो होती है चीज, ठीक है ना, अलग है। लेकिन आप लोगों ने जो तैयारी है अपनी तरफ से वो इस तरह से करनी होगी कि मैंने जो हिस्टोरिकल है या आपके रट्टा लगाने वाली चीजें हैं ना, उन पे आप लोगों के कोई भी ना कंप्रोमाइज ना हो, कि यहाँ से कोई भी 1 क्वेश्चन भी आपका गलत हो, ठीक है ना, क्योंकि एक से तो नेगेटिव मार्किंग है। आप लोगों को मैं इसके ना क्वेश्चन गलत तो मैं इसके करने की कोशिश ही नहीं करनी होगी कि क्वेश्चन गलत हो आपका, ठीक है ना, तो कोशिश यही होगी कि आप लोग क्वेश्चन जितने हो सके सही करें, जैसे भी स्किप ना करें जो एरियाज आपको लग रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ मोस्टली आप लोगों को लगता है कि आप ना डाउट में होते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, आंसर जो मैं कर रहा हूँ ठीक है ना, वो आपका ठीक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको तो ये है कि या तो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो कोशिश ये करनी होगी यहाँ पर कोई भी आपका एमसीक्यू स्किप ना हो। पाकिस्तान अफेयर का अगर हम पोर्शन देख लें तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है, पार्टीशन है, ठीक है ना, पार्टीशन से रिलेटेड जो भी है हिस्टोरिकली 712 से लेकर अभी तक, मीन 2024 तक जो भी आपके इवेंट्स हैं मेजर, वो आपके पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या इकोनॉमिक जो भी हो, वो आपके कवर करवाए जाएंगे। इंडिपेंडेंस रिलेटेड जो भी आपके रिफॉर्मर्स हैं या आपके जो पर्सन है उनको भी आपको कवर करने पड़ेंगे। उनके साथ साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जिस तरह से आप लोगों को अगर देखा होगा ये जो 2023 की जो CCE हुई थी उनके अंदर इनका जो ना ज्यादातर फोकस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस पे था। अभी भी आपकी 26th अमेंडमेंट जिस तरह हुई है, तो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस जो है ना इनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो आपको ये भी कवर करवाएंगे यहाँ पर। मोस्ट ऑफ जो भी चीजें हैं वो आपको कवर करवाई जाएंगे। मेजर बुक्स हैं जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडो पाक की हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो करवाए जाएंगे। आपके जो पोलिटिकल राइटर्स हैं या पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो वो बुक आपके पाकिस्तान के ऊपर लिख रहे हैं जो, वो भी आपको कवर करवाए जाएंगे। वॉइस का प्रॉब्लम है क्या सर वसी साहब, काइंडली ये बता दें हमें क्या कि अगर वॉइस का प्रॉब्लम है तो। सर जी, वॉइस बिल्कुल ठीक है, प्लीज ठीक है ना, ठीक कंटिन्यू। है, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, ज्योग्राफी आप पाकिस्तान से रिलेटेड है, मोस्टली आपके प्रोविंसेस जो है उनकी हिस्ट्री है, आपके रिवर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो कितनी कितनी लेंथ है, किस किस कंट्री के साथ है, ठीक है जी। उसके बाद आपके मेजर पासेस आ जाते हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड, पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पोर्शन होंगे वो भी कवर करवाए जाएंगे। की लीडर्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्मर्स वगैरह हैं, या पाकिस्तान की इंडो पाक जो हिस्ट्री के अंदर जो आपके मेजर लीडर्स रहे हैं उनका भी काम करवाया जाएगा, एंड उनकी क्या कंट्रीब्यूशन हैं, आपकी रिलीजियस भी हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन को हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ, ये कवर करवाया जाएगा सारा।
उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर का पोर्शन, ये भी एक मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका पोर्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से हैं, जिस तरह कन्फ्लिक्ट होते हैं मोस्टली, या जिस तरह हम देखते हैं अभी फलस्तीन के अंदर हो रहा है, या कोसोवो में हो रहा है, या सूडान के अंदर है, ठीक है, या यूक्रेन के अंदर हो रहा है मोस्टली जो कन्फ्लिक्ट हैं, या ताइवान को क्या प्रॉब्लम है, ये सारे कन्फ्लिक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। ट्रीटीज क्या हो रही है वो मोस्टली आपकी जो है ना समिट्स होती है, जो मोस्टली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से रीजनल या ग्लोबल कहते हैं, जिस तरह से G8 है आपकी, ECO है, एशियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, इनकी मीटिंग्स होती है, जो समिट्स होती है उनके थीम्स क्या है वो सारे कवर करवाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये आपके आगे कवर करवाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, ठीक है ना। मोस्टली हम देख रहे हैं कि जो स्पेस मिशन वगैरह होते हैं वो भी सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आ जाते हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। थीम्स हैं या वर्ल्ड डेज हैं वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन के अंदर कवर करवाए जाएंगे। अच्छा इसके बाद हम देख सकते हैं कि एवरीडे साइंस का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मोशन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आगे यूनिट्स होते हैं मोस्टली, वो यूनिट्स कवर करने होते हैं, फार्मूलाज हैं या डिस्कवरीज हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। मेजर साइंटिस्ट हैं विथ रिलेटेड थियरी, उनकी जो अपनी फील्ड होती है उनके अंदर उनकी क्या क्या डिस्कवरीज हैं वो कवर करवाए जाएंगे। केमिस्ट्री का जो है फंडामेंटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या उनके रिएक्शंस हैं, ठीक है जी। मिनरल्स, ओर्स एंड डिस्कवरीज, ये आपके जो है ना मेजर आपका क्वेश्चन है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके क्वेश्चन 2 से 3 आपके क्वेश्चन सिर्फ इनके आ जाते हैं डिस्कवरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है जी। उसके बाद बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। डिजीजेस, जिस तरह से आईज की डिजीजेस क्या होती है, फिर आपके टीथ की, फिर आपके लंग्स, ये सारी जो डिजीजेस हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। स्पेस एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी है, यूनिवर्स से रिलेटेड MCQs हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको होलिस्टिकली यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। वैसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जिस तरह से अभी इन्होंने ये ऐड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। शॉर्टकट्स होती हैं या एब्रीवेशन हैं ये आपको कवर करवाएंगे। इन्वेंशन जो न्यू हुई है या हिस्टोरिकल जो हुई आपकी जनरेशन से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर होलिस्टिकली टोटली कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस सब्जेक्ट के भी। अब ये देख लेंगे आपके ना जो मेन होता है यहाँ पर जो तैयारी के अंदर, जो हमने पहले भी बात की कि स्टडी से रिलेटेड, वो आपकी है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। वो आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है हर सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है जी। आप लोगों को पास पेपर्स जो प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे।